पे काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, किसी तुम पे काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, किसी तुम पे काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, जय करो, खुशी छोड़ो आराम करो, किसी तुम पे काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, किसी तुम पे काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, जस्टिस हुई बहुत, जस्टिस हुई बहुत, जस्टिस हुई बहुत, जस्टिस कमी यूनिवर्सिटी, हाय हाय कमी यूनिवर्सिटी, हाय 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 किसी को काम करो, छोड़ो आराम करो, हाय 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 हाय। हम सब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के अंदर इनरोल्ड स्टूडेंट और हमारे साथ सुन कोर कॉलेज के भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि कल की नोटिफिकेशन 21 डेट पर जो निकाली गई यूनिवर्सिटी में कि ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन सेमेस्टर 6 क्लियर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर 3। मैं आपको बताता चलूं कि ये स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर या सेमेस्टर 3 के अंदर कोई एक बैकलॉग रह जाती है उसका रीजन स्टूडेंट्स खुद हैं, ये हम मुजम्मत करते हैं, मैं मानता हूँ। क्यों? अगर कोई बीमार है या किसी वजह के साथ घर की परेशानी है या वो क्लियर नहीं हो सकता या यूनिवर्सिटी ने उस वक्त एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम उसके पेपर चेक किए उसके बीच में यूनिवर्सिटी का कोई मसला रह गया, कोई ना कुछ प्रोपोगंडा रह गया, उसकी वजह के साथ ये स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आपको बताता चलूँ अगर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आता है एडमिशन के टाइम उस वक्त क्रेडिट 10 या 8 या 12 रखते हैं, मैं मानता हूँ हम सब फॉलो करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जब एडमिशन 5th की होती है उसके बेसिस पे जो क्राइटेरिया ये देते हैं हम सब मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये काम का प्रोपोगंडा हुआ कि जब हम सेमेस्टर 5th के एग्जाम दे चुके हैं सेमेस्टर 6th के अंदर पहुंच चुके हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी सी हाय हाय रजिस्टर, हाय हाय वी सी एक काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो, वी सी एक काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो। बताता चलूं कि जिस वक्त हम सेमेस्टर 5th के अंदर एनरोल्ड हो रहे और उसी वक्त यही प्रोपोगंडा आ गया यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल लिया कि नहीं जी वही स्टूडेंट क्लियर होंगे जो फर्स्ट में और थर्ड में। ये ज्यादातर 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी हर वक्त स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अरे क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी है, इनके भी कुछ रूल है। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। हमने प्रिंसिपल सर से भी बात की और उन्होंने भी ये भी हमें कहा, इंश्योर किया कि हम भी अपनी बात जो है यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे, बीसी तक पहुंचाएंगे। और अगर ये डिसीजन वापस नहीं लिया गया तो बताता चलो अगर स्टूडेंट्स इनसाइड द कॉलेज कैंपस ये चीज नारेबाजी लगा सकते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी हाई हाई कर सकते हैं, यही स्टूडेंट्स कल रोड पे निकलेंगे। मैं ये आपको बताता चलूं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्टेट के अंदर इस वक्त प्रेसिडेंशियल रूल है, जो गवर्नर साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने ये नोटिस निकाला हुआ है इस नोटिस को वापस लें, नहीं तो कश्मीर का तनावपूर्ण हालात हो रहे हैं वैसा पुंछ में राजौरी में और जम्मू में ना हो। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर ये युवा खामोश हैं ये रूल एंड रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं इनको रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलने दो, इनके साथ ऐसा मत करो, खिलवाड़ मत करो इनकी जिंदगी के साथ के बीच राह में आकर इनको धकेल दिया ना आर के रहे ना पार के रहे। शुक्रिया। इसी के साथ इसने एक जो कल नोटिस जम्मू यूनिवर्सिटी से आया था कि जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में से फुल पास होना चाहिए बच्चा उसी को 5th 6th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगी और ये सेशन का हाफ था तो बच्चों ने आज इस चीज़ पे बड़ी रिजेंटमेंट शो की कि अगर आपने रोकना था तो हमको 4th सेमेस्टर पे ही रोक देना ताकि हम 5th में एडमिशन ना लेते, क्योंकि 6th आपको पता है आजकल सेमेस्टर सिस्टम है 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल के लिए, तो बच्चों ने कहा कि 2 साल के बाद जब 5th सेम आ रहा था तो आपने रोक देना था, आज आप हमें हाफ सेमेस्टर पूरा करने के बाद कैसे रोक सकते हैं, तो उनकी एक डिमांड थी। तो हम जब वो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं इसका आप रिटर्न में मुझे दीजिए, मैं भी वाइस चांसलर को लिखूंगा। तो बच्चों ने फिर उसके बाद बाहर आए, अपने लेवल पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए से उन्होंने अपनी बात रखी कि जो फर्स्ट और थर्ड सेम का जो एक कंडीशन रखी है कि फुल पास होना चाहिए इस कंडीशन को वो ना रखें, वैसा ही रखें जैसे पहले था कि 50% पास होना चाहिए और उस बच्चे को 6th सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाए। जी मेरा नाम मोहम्मद वाशु, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल
जम्मू यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला कि वही स्टूडेंट इनरोल्ड होंगे सेमेस्टर सिक्स के अंदर जिनकी फर्स्ट और थर्ड क्लियर है। मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट थर्ड क्लियर होंगी तभी उनको सिक्स सेमेस्टर में इनरोल किया जाएगा, नहीं ये यूनिवर्सिटी हमारे साथ हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर इनको कोई रूल एंड रेगुलेशन देना होता है तो सेमेस्टर फर्स्ट में दें या थर्ड में दें ड्यूरिंग एडमिशन इन सेमेस्टर फिफ्थ उस वक्त दें तो हम उस चीज़ को सब मानने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ पर आज बिलखसूस और आराम के साथ यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट किया, अगर इन्होंने ये अपना डिसीजन असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने वापस ना लिया तो कल हम सड़कों पे उतरेंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आएंगे, इनके सामने आकर इनके खिलाफ होंगे। स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें, हम यही गुजारिश करते हैं कि ये अपना डिसीजन वापस ले लें। शुक्रिया।